क्या आप एक वीआईपी कल्चर वाले नेता को चुनेंगे या सेवक कल्चर वाले नेता को? क्या आप व्यापारी को वोट देना चाहेंगे या एक सेवक को? सुनील कुमार त्यागी आपके बीच के हैं और आपके ही जैसे हैं। आप इनकी आवाज बनिए, ये आपकी आवाज बनेंगे। सुनील कुमार त्यागी का जन्म जिला बुलंदशहर के शाना कस्बे के किसोला गांव में 7 जुलाई 1959 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा और स्कूलिंग भी इन्होंने शाना से ही की। इनके पिता डॉक्टर रमेश चंद्र त्यागी पेशे से सरकारी विभाग में डॉक्टर थे और इनकी माता स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी एक कुशल गृहिणी महिला थी। बचपन से ही शिक्षित परिवार होने के कारण इनके जीवन और आचार विचार पर शिक्षा का बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा और ग्रेजुएशन करने के लिए मेरठ चले गए। इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। इसी वक्त इनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर हो गया। अपनी सर्विस के दौरान इनकी कुशलता के चलते ये उत्तर प्रदेश में अधिकतर थानों में थाना इंचार्ज बनाए गए। हर एक थाने में पोस्टिंग के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक सराहनीय कार्य किए। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चलता है सन 2004 में सहारनपुर में कुख्यात गैंगस्टर बुद्धू काला का आतंक चारों तरफ फैल चुका था। यह एक इनामी और कुख्यात बदमाश था। काफी मशक्कत के बाद भी यह पुलिस के चंगुल में नहीं आ रहा था। उसी वक्त सुनील कुमार त्यागी की पोस्टिंग सहारनपुर थाने में की गई। कुछ ही वक्त में सुनील कुमार त्यागी ने अपने कौशल और शौर्य का सही प्रयोग करते हुए बुद्धू काला को एक एनकाउंटर में मार गिराया। अपनी जॉब के दौरान हमेशा ही यह जनहित में कार्य करते रहे। बिना किसी भेदभाव के हर जाति पंथ संप्रदाय को न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहे। सन 2014-15 में जब इनकी नियुक्ति थाना खतौली में हुई तो यहाँ क्राइम रेट अपने चरम पर था। आए दिन लूट, चोरी, हत्या आदि की खबरें आम थी। सुनील कुमार त्यागी एक दूरदर्शी और सुलझे हुए अधिकारी थे, अतः उन्होंने अपने स्किल और सूझबूझ से कुछ ही महीनों में खतौली के क्राइम रेट को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके लिए इन्हें विशेष सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी और जनमानस में सकारात्मक छवि होने के कारण ये हमेशा अपने सीनियर अधिकारियों की पहली पसंद बने रहे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा के कई थानों में बतौर थाना इंचार्ज इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने 4 साल ATS में काम किया और कई खतरनाक आतंकवादियों को पकड़ा और देश की सेवा को ही हमेशा सर्वोपरि माना। ATS में काम करने के दौरान अपनी टीम के साथ एक आतंकवादी का पीछा करते हुए ये गंभीर रूप से घायल हो गए। लगभग 2 महीने हॉस्पिटल के बिस्तर पर गुजारने के बाद जैसे ही चलना फिरना शुरू किया दोबारा सर्विस ज्वाइन कर ली। पुलिस सेवा करते हुए इन्होंने अपने जीवन के 37 साल आम लोगों को सुरक्षा और न्याय दिलाने में गुजारे और एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देश के लिए हमेशा खड़े रहे। तो याद रखिए, 1 दिसंबर 2020 को आने वाले MLC स्नातक इलेक्शन में सुनील कुमार त्यागी जी के नाम के सामने एक लिखकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। सुनील कुमार त्यागी की जीत आपकी अपनी निजी जीत है।